नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा जिले के सोहागी थाना के अंतर्गत चैनपुरवा गांव में हुई अंधी हत्या का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस का कहना है कि एक सप्ताह पूर्व संदिग्ध हालत में युवती अचानक लापता हो गई। जब देर रात तक घर नहीं लौटी तो मृतका की मां ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। इसी बीच पांचवें दिन अरहर के खेत में एक छत विच्छत शव मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय विंध्य दौरे पर आ रहे हैं। वे 29 अक्टूबर की दोपहर रीवा शहर के वृंदावन गार्डन में रीवा शहडोल संभाग के अपेक्षित श्रेणी के वर्कर्स की बैठक की समीक्षा बैठक में रीवा शहडोल संभाग के 7 जिलों के भाजपा जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, प्रवासी विधायक, मोर्चा अध्यक्ष, विधानसभा विस्तारक और अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। रीवा जिले की चाकघाट पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान थार वाहन में 2 थैले दिखे। एक थैले से सफेद व काले रंग की ब्राउन शुगर निकली है जिसकी बाजार में कुल कीमत 40,000 रुपए के आसपास है। वहीं दूसरे बैग से कोरेक्स दिखी। तलाशी में 15,000 रुपए के 88 cc नशीला कप सिरप बरामद की गई है। चाकघाट पुलिस ने 15 लाख रुपए का थार वाहन और 1.5 लाख रुपए के 3 मोबाइल जब्त कर थाने ले गई है। रीवा मऊगंज जबलपुर दहेज प्रताड़ना की शिकायत लेकर थाने गई महिला को शादी का झांसा देकर टीआई 2 साल तक यौन शोषण करता रहा। जब पीड़िता ने शादी का दबाव डाला तो रिवॉल्वर अड़ाकर स्टैंप में साइन करवाया और बेटे से धमकवाया। महिला की शिकायत पर मऊगंज टीआई के खिलाफ बलात्कार सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मामला 2021 का है। तब सिहोरा में पदस्थ रहे टीआई गिरीश धुर्वे के खिलाफ इसी थाना क्षेत्र की महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया है। गिरीश धुर्वे की वर्तमान में रीवा जिले के मऊगंज थाना में पदस्थापना है। रीवा के विशेष न्यायाधीश ने नशीली कफ सिरप का अवैध व्यापार करने वाले 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3 आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। प्रकरण में मामले की पैरवी कर रही लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश जिला रीवा केशव सिंह की अदालत में नशीली कफ सिरप के 3 आरोपी विष्णु सिंह, कुलदीप साकेत तथा सुमित द्विवेदी को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। मध्य प्रदेश चुनाव के मौजूदा दौर में सतना जिले के चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके लड़ाकों को निर्वाचन आयोग को गलत जानकारी देना महंगा पड़ा है। चुनाव आयोग ने 10 उम्मीदवारों को अयोग्य करार देकर उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत आयोग ने इन सभी के 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी की पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी होने के 1 दिन बाद ही प्रत्याशी बदल दिया है। यह बदलाव सतना जिले की रैगांव रिजर्व सीट पर किया गया है, जहां बीजेपी की बागी नेत्री बीजेपी कैंडिडेट होंगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले क्रांतिकारी संत डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज ने अब चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए यू टर्न ले लिया और अपने पैर पीछे कर लिए हैं। रविवार को भाजपा के संभागीय चुनाव कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संत अवधेशपुरी ने भाजपा को समर्थन देने और चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा के समर्थन में विभिन्न नेताओं और पदाधिकारियों के कांग्रेस में शामिल होने का दौर बरकरार है। शनिवार की सुबह काफी संख्या में भाजपा, बहुजन समाज पार्टी और सपाक्स के विभिन्न पदाधिकारियों ने कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए अभय मिश्रा की जीत का संकल्प लिया। इस दौरान मौजूद सभी पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए अभय मिश्रा की जीत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जबलपुर में मैराथन बैठक के 1 दिन बाद ही बीजेपी के महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने इस्तीफा देकर एमपी की राजनीति में धमाका कर दिया है। साहू ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को इस्तीफा प्रेषित करते हुए इसकी जानकारी जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों बीजेपी के संभागीय दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में प्रभात साहू के खिलाफ आलाकमान को शिकायत दी गई थी। प्रभात साहू ने रविवार को अपने इस्तीफा का ऐलान करते हुए खुद को इस मामले में निर्दोष बताया और पार्टी आलाकमान के रवैये पर भी उंगली उठाई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।